जिनका सहारा लेकर चलना सीखा और जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़कर अलग रहने पर बूढ़े माँ बाप को भी तकलीफ से कम नहीं होता है। हमीरपुर में दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए घरों से पलायन करके गए तो वापस आए ही नहीं और अब मजे से अपने परिवार के संग जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन घर पर बूढ़े माँ बाप जिंदगी के अंतिम पलों में उनका इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 में पुरुषोत्तम लाल आनंद के दोनों बेटे आयरलैंड में अपने परिवार के साथ हैं और घर पर अपनी पत्नी के साथ पुरुषोत्तम भी वक्त बिता रहे हैं। मन में अकेले रहना किसी तकलीफ से कम नहीं है, लेकिन समझौता करना ही हल है। बच्चों के बिना कैसे जिंदगी कट रही है ये तो उनका दिल ही जानता है। पुरुषोत्तम लाल आनंद खुद बीडीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और 74 साल के हैं। वहीं उनकी पत्नी कौरा आनंद 64 साल की हैं। बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा विवेक आनंद पेशे से इंजीनियर हैं और आयरलैंड में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। पुरुषोत्तम लाल आनंद ने बताया कि 1.5 दशकों से घर पर अपनी पत्नी संग ही रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना बेटों की काफी तकलीफदायी होता है। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे के सहारे के लिए बेटों का साथ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में परेशानी बढ़ जाती है। इधर ही आ जाओ, एक सेटल इंडिया में हो जाओ, कोई बात नहीं, तो हमें सहारा रहेगा, आपको भी सहारा होगा। उधर हम नहीं ना जा सकते इतने दूर, यहाँ तो हम जब मर्जी आएगा, इंडिया की बात होगी। परेशानी तो है उनके बिना, इस उम्र में खासकर। सर बताएंगे आप कि आपके दोनों ही बेटे हैं वो फॉरेन में रहते हैं, आप यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ हैं। हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है आपको? फीलिंग तो होती है बहुत ही, वी मिस देम वेरी मच। उनको मिस तो करते हैं, बच्चे सब चाहिए होते हैं साथ, पर मजबूरी की हालत में रहना पड़ रहा है। तो जब आपने कभी सोचा था, जैसे बच्चे आप छोटे घर में यहाँ पे पले बड़े हैं आपके दोनों बेटे, नहीं सोचा था कि यहाँ तक जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। बातचीत होती रहती है आपकी उनसे? डेली तो, हर जाने तो तीसरे दिन तो है ही, फोन पे व्हाट्सएप पर डेली बात कर लेते हैं हम। हाँ जी। तो अब आप सिर्फ दो पति और पत्नी घर पे रहते हैं? हाँ जी, दो पति। हाँ जी, अकेले। आपके बेटे कहाँ कहाँ है, जॉब कहाँ कहाँ करते हैं? आयरलैंड में दोनों एक ही जगह हैं जी। क्या जॉब करते हैं वो? इंजीनियर हैं जी। तो क्या लगता है आपको कि अब जो आप अकेले हैं घर पे आप दोनों, तो लगता है कि यहाँ पे उनको इंडिया में आ जाना चाहिए या आपके साथ रहना चाहिए? बोला तो सही उनको, एक को तो नहीं आएंगे, पर एक को छोटे को बोला, पर अभी उसका भी कुछ नहीं, अभी आए हुआ तो गया भी अभी, या अभी 29 तारीख की तो फ्लाइट उसकी जी। बड़ा जो था वो बड़ा तो सेटल हो गया ना वही, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान ले लिया है अपना उसने। आजकल जी जो बदलता परिवेश है, तो जैसे आपके बेटे दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहर रह रहे हैं, कई बाहर पढ़ते और वहीं सेटल हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये अच्छा है कि वैसे माता पिता के साथ रहना? नहीं, हालात के अनुसार तो अच्छा नहीं, अब उनकी भी मजबूरी है। बच्चे उधर ने तो बच्चे पेरेंट्स के साथ होने चाहिए, एक आधा तो जरूर चाहिए उनको बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन उनका अपना तो वहाँ पर तो आराम प्रस्ती है, लेकिन हमें यहाँ परेशानी होती है उनके बिना जी। अपने आप तो ठीक है उधर, पर हमें परेशानी है उसकी। वही माता कौरा ने दुखी मन से बात करते हुए कहा कि कमी हमेशा बच्चों की खलती है और चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ ही रहें। उन्होंने बताया कि बात तो होती है, लेकिन फिर भी घर पर नहीं होने से घर खाली सा महसूस होता है। रहते हैं तो आपको कभी कमी नहीं उनकी लगती, यहाँ पे होना चाहिए साथ? हाँ, कमी तो लगती है। बात होती है आपकी उनके साथ तो क्या लगता है? अच्छा महसूस होता है उस टाइम बात होती है। तो अब आप दोनों अकेले रहते हैं घर पे, नहीं तो क्या मतलब कितनी कमजोर लगती है आपको, लगता है कि यहाँ होनी चाहिए थी वो आपके, आप बुढ़ापा है यहाँ पे? होना तो चाहिए था एक को, तो पता नहीं उनकी भी मजबूरी है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो स्कूल जाते हैं। बातचीत होती रहती है? हाँ जी, बातचीत होती रहती। दोनों में से कोई भी नहीं तैयार है यहाँ रहने के लिए घर में? बड़ा तो है नहीं, छोटे का भी पता है। तो दिन में कैसे करता है आपका टाइम दो एक साथ, तो फिर ये घर पे खाली पर नहीं लगता है आपको? जो तो होता है, चलो काम में व्यस्त रहते हैं बस।